Everybody, how are you? And this video is a bit of information related to stock market, capital market, एक छोटी सी चीज जिनको पता नहीं है निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, तो उसको शॉर्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने को. और अगर आपको समझ में आया तो पक्का लाइक करना, उस पर कमेंट भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको ऐसे बहुत वीडियोज में देते जाओ. राइट, ओके, कमिंग टू द टॉपिक, निफ्टी सेंसेक्स है क्या. इनको समझने के लिए फर्स्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपको BKC में मिलेगा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज एट द व्हाट वी कॉल द फोर्ट एरिया, चर्च गेट, बिटी, वहां पे. ओके, दीज आर द मेजर बिगेस्ट एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया. BSE इनफैक्ट इज द ओल्डेस्ट एक्सचेंज. अब बेसिक नॉलेज के लिए हम इतना जानना चाहते हैं कि NSE जो है, इसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, BSE में भी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बोथ द एक्सचेंजेस. ओके, एंड दिस कंपनीज आर अक्रॉस सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स, कोई ऑटोमोबाइल की है, कोई IT सेक्टर की है, कोई FMCG की है, डिफरेंट सेक्टर्स. ओके, अब आते हैं टॉपिक पे कि निफ्टी सेंसेक्स क्या है. अब मान लो सेंसेक्स में बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड है, बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है एज अ सेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, लेकिन मुझे जानना है मेरी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है. अब मेरी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, हर एक इंडस्ट्री जब परफॉर्म करेगी, हेल्थ इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, फार्मा इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, IT इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, FMCG इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, बैंकिंग इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, ये जितनी इंडस्ट्रीज परफॉर्म करेगी तो मेरा इकोनॉमी अच्छा रहेगा, मेरा GDP अच्छा रहेगा. बट डू यू थिंक मुझे हर एक का परफॉर्मेंस देखना जरूरी है? नो. तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारी कंपनीज में से, मान लो IT की बहुत सारी कंपनीज है, उनमें से मेजर ऐसी कंपनी जिनको हम कह सकते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर सेक्टर. देखो मैं हर एक को तो नहीं लेके जा सकता ना, मुझे ऐसा कोई चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है उस सेक्टर को. जैसे स्कूल में टीचर एक कैसे पढ़ाती है, वो पूछने के लिए पूरे क्लास को लेके नहीं जाते, ऐसे लोगों को लेके जाते हैं जिन पे हम बिलीव कर सकते हैं. मतलब एक सैंपल कहते हैं ना, कि अगर ये तीन बोल रहे तो ठीक है. राइट, अभी मान लो आपका ब्लड टेस्ट करना है, आपका ब्लड टेस्ट करना है डेंगू मलेरिया के लिए, तो पूरे बॉडी में से ब्लड तो नहीं निकालेंगे ना, दे टेक अ सैंपल एंड इट सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ब्लड. एग्जैक्टली वैसे ही अगर मुझे IT इंडस्ट्री का हेल्थ चेक करना है, तो मुझे पूरे IT के स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्लड लेने की, आई जस्ट टेक TCS और इन्फोसिस, दैट्स इनफ. सो TCS इन्फोसिस परफॉर्म कर रहे हैं, सो कैन आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, आई कैन अज्यूम कि IT इंडस्ट्री अच्छी चल रही है. इफ आई टेक हीरो मोटर्स, ओके, हीरो मोटर्स में लेता हूँ, टाटा मोटर्स लेता हूँ, आई कैन अज्यूम कि ऑटो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया. FMCG, अगर मैं डाबर लेता हूँ, अगर मैं हिंदुस्तान लीवर लेता हूँ, आई कैन अज्यूम कि पूरी FMCG अच्छी चल रही है. सो दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर्स. तो हमने ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स चुने, हमने मतलब कैपिटल मार्केट में, ओके, तो ऐसे 30 स्टॉक्स चुने गए, ओके, बिकॉज वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए सैम्पल, 30 इज फाइन. सो दिस 30 स्टॉक्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, और इन 30 स्टॉक्स को एक इंडेक्स बनाते हैं, उनको हर एक को एक वेटेज दिया गया, TCS को इतना वेटेज, रिलायंस को इतना वेटेज, इन्फोसिस को इतना वेटेज, ऐसे उन 30 स्टॉक्स को वेटेज दिया गया और उनका टोटल कम्स टू 100% इज द इंडेक्स. अब जैसे ये स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, तुम्हारा वो जो सेंसेक्स है इंडेक्स, वो भी ऊपर नीचे होता है. राइट, इसमें ऐसा भी है कोई कोई स्टॉक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि TCS, रिलायंस का वेटेज बहुत है, तो उनमें थोड़ा भी फर्क पड़ा ना, सेंसेक्स में बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज उनका वेटेज ज़्यादा है. कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनका वेटेज बहुत कम है, भले वो 30 में है, वेटेज कम है उनका, तो उनमें इतना मतलब 10-12 रुपये का भी फर्क पड़ा ना, सेंसेक्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेटेज. राइट, जैसे आप सीसॉ में बैठे हो, एक जगह एक फैट इंसान बैठता है, एक जगह पतला इंसान, तो जहाँ पे फैट इंसान बैठेगा वहीं पे अफेक्ट होगा ना, इफेक्ट होगा. तो इट्स सेम लाइक दैट, सेम वे जैसे हमने BSE के 30 स्टॉक्स देखे, NSE की भी निफ्टी रहता है, निफ्टी इंडेक्स. ओके, निफ्टी मतलब, अब कोई लोग जोक करते नो इनकम फॉर द ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स जस्ट ऑन अ ह्यूमरस बेसिस. निफ्टी मतलब सेम फंडा है, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ 30 की जगह यहाँ पे 50 स्टॉक्स लिए गए हैं रिप्रेजेंटिंग देयर सेक्टर्स, सेम IT, ऑटो, जो भी है, तो 50 स्टॉक्स है. ये 30 जो है मोस्टली जो सेंसेक्स में हो, निफ्टी में भी है, यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी है. तो सेम वे यू कैन चेक द परफॉर्मेंस कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ दिस स्टॉक्स, एंड दिस स्टॉक्स आर रिप्रेजेंटिंग देयर सेक्टर्स. सो आई थिंक ये छोटे से वीडियो में मैंने आपको एक क्लियर कर दिया है कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है. दे आर जस्ट इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग, और इंडेक्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर्स. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सजेशन दीजिए, आई कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोज ऑन कैपिटल मार्केट ऑल्सो. बाय बाय, टेक केयर.